वेलकम बैक नाज़रीन। तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और अभी जो है बातें बहुत हो गई हैं, तो आप हो सामने और हम आपसे सुने ना कि ढोले नु काला सूट सोना लगे, तो ये कैसे मुमकिन है? मैं सुनाता हूँ जी, गुनगुना देता हूँ। मेरा ढोला डाडा सोना ए दे जे आना कोई होना, असी रावां च खलोइए ओदी तक ना पवे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु लाल सूट भी सोना लगे। चलिए आपकी भी तारीफ। यही सुनना था मैंने। मैं तो पता है आपको खान साहब, मतलब हर जो है ना दूसरे सिंगर का गाना यही है, वो काला सूट पा साड़ी फरमाइश थे, किसी नु काला सूट सोना लगे। मैं क्या की करिए, मतलब मैं क्या आज मैं लाल सूट पा ला नहीं, पता नहीं सोने लगने हैं कि नहीं। मैंने ये भी गाना बनाया, तू सोने लग दे जा जेड़े भी कपड़े पावे, तेरे ते हर रंग सूट कर दा। ये भी बनाया। ये ठीक है, ये देखो ये हुई ना बात, सही है। अच्छा सर, अभी मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि शेर मियां दाद खान साहब जो दुनिया जानती है और जो शेर मियां दाद असल में है, थ्री वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? शेर मियां दाद कुछ भी नहीं है, पहला तो ये है, सब कुछ अल्लाह की ज़ात है, फिर आजिज़ी, फिर जो अल्लाह की ज़ात जानती है मुझे, बहुत गुनाहगार, एक एहसास का नाम शेर मियां दाद। बहुत 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 खूब। और मेरे ख्याल में असल फनकार ही वही होता है जिसमें एहसास एहसासियत हो और आजी हो। अच्छा खान साहब, टिकटॉक पे आपके बिलियंस में मिलियंस में जो है व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, और हर दूसरा जो टिकटॉकर है फेमस, वो डॉली हो या कोई भी हो, वो आपके गानों पे परफॉर्म कर रहा है, तो कैसा लगता है? मैं बहुत खुश हूँ, टिकटॉकर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझसे प्यार करते हैं, और जब भी कोई मुझे भेजता है ना टिकटॉक पर मेरा गाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिन्हें दिनों दीदार जी ने एक भेजा मुझे, तो मैंने कहा अच्छा। तो इसी तरह डॉली जी हैं, खुशबू जी हैं, तो देखिए ना वो बंदे की हैप्पीनेस होती है कि यार जो मेरा काम हो रहा है अल्लाह के करम से, तो लोग उसको सुन रहे हैं, पसंद रही है। अच्छा, अगर आपको जो है पाकिस्तान के कल्चरल मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो है एज ए कल्चरल मिनिस्टर आप करेंगे पाकिस्तान के? मिनिस्टर अगर मैं बन जाऊँ, पहले तो नहीं हो सकता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं बना दिया जाए, तो फिर ये है कि फनकारों के ये दुखों को सामने रखना, समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। कि फन पाकिस्तान पेमेंट इशू बहुत है। देखिए पाकिस्तान में वो अल्लाह पाक ने ज़रखेज़ी अता की हुई है म्यूज़िक में, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे टैलेंट है, ठीक है। यहाँ पे तो जो लोग पुराने हो जाते हैं कोई उनको पूछता नहीं है, ठीक है। अगर नया किसी का भी गाना चल गया, किसी की एक लाइन हिट होगी, तो वो फनकार बन गया। तो अगर मैं मिनिस्टर हूँ, तो मैं सबसे पहले दुखों का मदावा करूँ अल्लाह के हुक्म से, अगर मुझे अल्लाह ताकत दे। आमीन। अच्छा सर, अभी जो है आपके शो का वक्त भी होना लगा है, तो अभी हम आपसे सुनेंगे कवाली। अभी आप कवाली सुनाएंगे या गाना? नहीं नहीं, कवाली यहाँ पे होगी, फिर आफ्टर कवाली फिर गाना भी होगा। तो अभी कौन सी कवाली आप हमें देखें जब मैं तो फरमाइश होगी? जी जी वो। चलिए सर, तो फिर सुनते हैं आपको। ठीक है, अभी हम सुनेंगे शेर मियां दाद खान साहब को लाइव। Allah
जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। मेरे तो यहाँ पे जो है ना इनकी कवाली सुन के रोंगटे खड़े हो रहे थे, और बहुत ही बाकमाल और बहुत ही पुरसोज आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपने कीमती वक्त से और अपनी जो है लाइव शो में हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए बहुत ही एक बाइस फ़ख्र और बाइस इज़्ज़त बात है कि आपने हमें वक्त दिया और आपके साथ बैठ के, पाकिस्तान के लेजेंड एक कवाल के साथ बैठ के मैंने उनसे चंद जो है वो बातें की हैं, तो मेरे लिए बहुत ही ये खुशी की बात है, से बहुत है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी जो है वो अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके भी अच्छा लगा, आप में टैलेंट है और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको और इज्जत से नवाजे। ज़रूर सर, और हम जो है ये दोबारा से कोशिश करेंगे कि अब जो है हम प्रॉपर इनके साथ कॉफ़ी जो है वो पिए, ताकि कॉफ़ी विद ख़याम प्रॉपर तरीके से हो, और इनके साथ हम एक और लंबा सा जो है ना वो एक और प्रोग्राम करेंगे। तो सर आपकी इजाज़त, दोबारा हम जो है ना आपको ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही मुझे ख़याम भट्ट को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ कॉफ़ी विद ख़याम में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।